एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्मॉल किचन टूर। पर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, हमारा रेंटेड हाउस है और मेरा किचन बहुत ही छोटा है। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप चाहे तो अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। से मेरा किचन स्टार्ट होता है तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक कार्टन लगा के रखा है ऊपर। अब जो ओल्ड ट्रे दिखाई दे रहा है तो उसको मैंने DIY किया है, और जितने भी मेरे किचन में आपको DIY दिखेंगे सब मैंने ही किया है और मेरे दूसरे चैनल में है। अगर आप चाहें तो वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने फ्रिज को रखा है, जो कि मैंने पहले आपको बताया मेरा किचन बहुत छोटा है। तो फ्रिज में जितने भी मैग्नेट दिख रहे तो वो मैंने ही बनाया है, मेरे दूसरे चैनल में है। तो फ्रिज के साइड में ही है मेरा किचन सेल्फ, तो इसमें मैंने रखा है थोड़ा सा एक स्टील स्टैंड रखा है, स्टील स्टैंड के ऊपर और रखा है मैंने प्लेट्स, कटोरी और कप, ग्लास, मग जो डेली यूजेस में यूज़ होता है, और साइड में मैंने रखा है दो कढ़ाही और एक छन्नी, और साइड नीचे रखा है मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार को मैंने स्टील स्टैंड के ऊपर ही रखा है। और इसमें छोटा सा एक ट्रे रखा है, ट्रे को ऊपर ही मैंने बॉटल्स, चम्मच और थोड़ा सा मैंने ब्यूटी आइटम्स जो रखा है, ग्रीन टी का पैकेट, चम्मच, नाइफ, ये सब रखा है। और मैंने पास में ही एक जग में पानी भर के रखती हूँ डेली, जो मैं किचन में खाना बनाने के टाइम जल्दी आसानी से मिल जाता है, पास में ही रहता है, तो इसलिए मैं इसको पानी भर के रख देती हूँ। तो साइड में एक और छोटा सा ट्रे रखा है, उसके ऊपर ही रखा है, क्योंकि ट्रे पे रखने से क्लीन भी रहता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत मसाला रखा है, वो जैम का बॉटल है, उसको भी मैंने DIY किया है। और ऐसे ही थोड़ा सा इसको रखा है, तो इसको मैं अदरक कूटने के लिए रखा है, चाय के टाइम यूज़ होता है। और जो लाल टिफ़िन दिख रहा है आपको रेड वाला, तो उसमें मैंने आटा रखती हूँ, जो रात को रोटी बनाने के टाइम आसानी से वहाँ से ही ले लेती हूँ। और ये तवा भी बहुत पुराना था, ख़राब हो गया था, इसको मैंने डेकोपर्ज किया है, इसका भी वीडियो मेरे दूसरे चैनल में है, मैं इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये कैटल भी बहुत पुराना था तो इसको भी मैंने ही पेंट किया है। और थोड़ा सा ऑयल, घी का डब्बा है और इसमें होममेड हेयर ऑयल और फेस पैक का रखा हुआ है मैंने। और साइड में मैंने किचन के ऊपर, मतलब जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव के ऊपर ही है मैंने एक विंडो है, उसमें ही रखा है मैंने चिली प्लांट का एक ट्री, चिली प्लांट रखा है। तो गैस स्टोव के साइड में ही है वॉश बेसिन। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये गंदा क्यों है, ये गंदा नहीं है, मैंने कुछ एक महीने पहले पेंट किया था हमने, तो उसका पेंट गिर गया था तो अभी तक निकल नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर लिया है। और वॉश बेसिन के ऊपर ही मैंने रखा है एक तवा और एक सॉस पैन। और जितने भी आपको DIY देख रहा है वो भी मैंने ही बनाया है, ये सब मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। और वॉश बेसिन के पास में मैंने रख दिया है वो हैंड वॉश को। और गैस स्टोव के नीचे ही एक है सेल्फ, तो उसमें रखा है मैंने सिलेंडर और आटा का डब्बा और चावल का डब्बा और होममेड पिकल है थोड़ा सा। और इस साइड में मैंने रखा है थोड़ा सा एक मूसली का डब्बा और हैंड वॉश का पैकेट और एक खाली सिलेंडर, खाली नहीं है, फुल है, एक्स्ट्रा है मतलब। तो इस साइड में ऐसा ही है, मेरा किचन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। ऊपर भी मैंने ही ये DIY किया है, सब मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है, वेस्ट मटेरियल से, जीरो बजट। तो इस साइड में एक और छोटा सा सेल्फ है, तो उसमें मैंने रखा है कुकर, बेलन, फिर मसाला डब्बा रखा है, कढ़ाही रखा है, बोल्स रखा है, एकदम ऊपर रखा है मैंने मिक्सी के जार्स, बॉटल और इडली का बर्तन, और थोड़ा सा बॉटल रखा है
जो अभी यूज़ नहीं होता है, तो आपको पता ही होगा स्कूल ऑफिस तो नहीं खुल रहा है इनका, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बॉटल सब ऊपर ही रख देती हूँ बच्चों का, बेटे का भाई स्कूल नहीं है। और इसमें मैंने रखा है शक्कर का डब्बा, चाय पत्ती या फिर बिस्किट या फिर बच्चों का माइलो, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, ये सब रख लेती हूँ। नीचे थोड़ा सा बर्तन रखा है मैंने, तो इसमें मैं मसाला रखती हूँ। और इसमें मोबाइल को मैं सर्च कर लेती हूँ, पास में होता है किचन में काम करने के टाइम। ऊपर मैंने अगरबत्ती का पैकेट भी रखा है। और स्टैंड के पास ही मैंने एक फ़िल्टर रख दिया है, मेरा फ़िल्टर पानी का। फ्रिज के ऊपर मैंने एम्बिप्योर का स्प्रे रख दिया है, और एक मेरे बेटे ने बनाया था अपने पापा के बर्थडे पे कार्ड, उसको भी मैंने फ्रिज के ऊपर ही रखा है। एक और बार अच्छे से दिखा देती हूँ फ्रिज का, फ्रिज क्लीनिंग कैसे करते हैं, डीप क्लीनिंग, उसका भी वीडियो है मेरे इस चैनल पर ही है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो देख लीजिए। मेरा किचन बहुत छोटा है और मैंने कैसे सजा के रखा है। नीचे जो पिकल के बॉटल्स दिख रहे हैं तो उसको भी मैंने ही पेंट किया था, और साइड में मैंने आलू प्याज को रखा है। आलू प्याज थोड़ा सा खाली हो गया है, लेके आना है, लेके आऊँगी। और टूथपेस्ट का और ब्रश को भी मैंने वॉश मशीन के पास में ही रख दिया है, क्योंकि बाथरूम में इतना प्लेस नहीं। तो अगर आप लोगों का मेरा किचन टूर का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।